करता हूँ, आई लव यू को क्या बोलते हैं? ভালোবাসা। ভালোবাসা, यस। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, মানে মই আপকো বহুত প্যার করতা হুঁ। क्या बात है, थैंक यू सो मच भैया। जय जोहर संगवारी हो, मैं हूं दीपक। फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ नागालैंड के लिए, और अभी भाई आए हैं बाय बाय करने के लिए, घनश्याम भाई, शुभम भाई, और मुझे अभी लेकर जा रहे हैं ब्लास्टफूड ट्रेवल ग्रुप, और ये मुझे ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट में। इस बार मैं सोचा कि बाय ट्रेन जाऊंगा, बट मैं लेट हो जाता, इसलिए मैंने ब्लास्टफूड ट्रेवल ग्रुप से कांटेक्ट किया और ये मुझे ड्रॉप करेंगे ब्लास्टफूड से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक। और अभी मैं शेयरिंग में जा रहा हूँ, तो आगे आपको बताऊँगा कैसे आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बिलासपुर रायपुर, या रायपुर से बिलासपुर अगर आना जाना हो तो। ये हमारा सामान है, गाड़ी में डालते हैं और निकलते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए, और बाकी बातें आपको गाड़ी में बैठ के बताऊँगा। तो फिर चलिए निकलते हैं। और बिलासपुर रायपुर में भाई आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिलासपुर से रायपुर जाते टाइम पे भाई लोग मिले हैं, ब्रेकर जोन, ये भाई लोग पूरे भारत दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से हैं भाई आप लोग? हम नोएडा से आए हैं भाई, दिल्ली के पास में पड़ता है नोएडा, और हाँ। अभी जो है ऐसे ही घूमते हुए हमें एक महीना हो गया है, और इधर से जा रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा से कन्याकुमारी। अच्छा। और कन्याकुमारी के बाद फिर ले लद्दाख, मैग्नेटिक हिल। अच्छा, तो कितने दिन का टूर है भाई आप लोग? एक साल का टूर है भाई। एक साल तक? हाँ जी, एक साल का। अच्छा, तो भाई यार कहीं रुकना रहता है तो कैसे रुकते हो यार? रुकना रहता है, हम ज्यादातर अभी रुकते चल रहे हैं अपने मंदिर या गुरुद्वारों में, शाम के टाइम वहाँ पे रुकते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पे नहीं हो पाता तो पेट्रोल पंप पे जो है अपना टेंट लगाते हैं। अच्छा, और वहाँ पे भी अगर जुगाड़ नहीं हो पाता तो अपने ढाबे हैं, फिर लास्ट अपने ढाबे पे खाना खाते हैं वहीं पे। एक दिन में कितना किलोमीटर चला रहे हो? एक दिन में 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर चला रहे हो? हम चले हैं अपना क्या है, कवर्धा से 8 किलोमीटर पहले सुबह वहाँ से चले थे। अच्छा, तो रोड कैसे पता चल रहे हैं आपको? रोड GPS। अच्छा, गूगल मैप्स, जिंदाबाद। ये है YouTube चैनल ट्रैकर जोन। ट्रैकर जोन जाके सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जाइए और सब्सक्राइब करिए भाई, फुल सपोर्ट दिखाइए। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम जो एक साल में अपनी जर्नी को जो है कम्प्लीट कर लेंगे, और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करना और साथ में हमारा भी। थैंक यू सो मच भाई। भाई साहब, ये भाई लोग के जज्बे को सलाम यार, मतलब हर दिन 150 किलोमीटर चला रहे हैं, और पूरे के पूरे साइकिल से। मतलब सोच सकते हो, मैं भी राइड किया हूँ साइकिल से, बट मैं 100 किलोमीटर करता था, मैं तो ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट इन लोग यार मतलब क्या ही बोले। क्यों भाई, 150 किलोमीटर पर डे एक साल तक? हाँ यार, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक साल तक भाई उन लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं, बहुत बड़ा भाई जिगरा चाहिए इसके लिए। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं रायपुर एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, और ये इसका गार्डन एरिया है। बाय बाय भाई। विक्रम भाई ने एयरपोर्ट छोड़ दिया। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, सो यहां से हमें एंटर करना है। फाइनली मैं निकल रहा हूं नागालैंड के लिए, तो मैं बाय फ्लाइट नागालैंड जा रहा हूं, तो यहां से मुझे कोलकाता जाना है, कोलकाता से फिर दीमापुर नागालैंड। जितने भी यहाँ पर प्लेन जो है जा रहा है, डिपार्चर कर रहा है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ऐसा डिस्प्ले लगा हुआ है, तो मुझे जाना है कोलकाता, 4:40 पे है। यहाँ से अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत ढोकरा आर्ट है यहाँ पर, और ये सामने में यहाँ पर वेटिंग हॉल है। यहाँ पर जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक इन करा के आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको रुकना होगा और यहाँ पर वेट करना होगा। तो मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो बैग चेक इन है और सिक्योरिटी चेक इन है, उसको वीडियो नहीं बना पाया हूँ। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ रायपुर एयरपोर्ट में, और मैं अपना फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस आपके बीच शेयर करने वाला हूँ। ऐसे तो मैं बहुत बार फ्लाइट में बैठा हूँ, बट जितने भी बार मैं फ़्लाइट में ट्रैवल किया हूँ, वो इंटरनेशनल ट्रैवल किया हूँ। इस बार मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाला हूँ। सो मैं अभी जा रहा हूँ नागालैंड। इस बार इंडिया टूरिज्म ने इनवाइट किया है इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, जो कि कोहिमा नागालैंड में होने वाला है। कुछ दिन पहले ही इंडिया टूरिज्म ने कॉन्टेक्ट किया, फिर बताया कि इस तरह का इवेंट है, तो मैंने एग्री किया। उसके बाद उन्होंने फ़्लाइट के लिए टिकट भेज दिया है। सो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप फ़्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं। नागालैंड इंडिगो के फ़्लाइट से जा रहा हूँ, सो
48 घंटा पहले ही आपको वेब चेक इन करना होता है, तो मैंने पहले ही अपना सीट बुक कर लिया है, विंडो वाला सीट, क्योंकि मुझे विंडो सीट से ही पूरे नज़ारे को देखते हुए जाना है, इसलिए मैंने विंडो सीट चुन लिया है। तो जब भी आपको फ़्लाइट में ट्रैवल करना है तो आप घर में ही जब टिकट बुक कराते हैं तो आपको 48 घंटे पहले ही लिंक भेज दिया जाता है जिसमें आप वेब चेक इन कर सकते हैं। वेब चेक इन के लिए टिकट नंबर या जो PNR नंबर होता है वो नंबर से आप वेब चेक इन कर सकते हैं। कोविड वाला सीन चल रहा है तो वैक्सीन का 2 डोज लगाना ज़रूरी है। अगर वो 2 डोज नहीं लगाते हैं तो आपको RT-PCR नेगेटिव आपको लेकर जाना होगा, तभी आप एयरपोर्ट में जैसे ही आप कहीं लैंड करेंगे, मतलब अभी कलकत्ता एयरपोर्ट में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको RT-PCR नेगेटिव या 2 वैक्सीन डोज लगा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा है तो आपको कलकत्ता एंट्री नहीं मिलेगा, और अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन आपको वहीं होना पड़ेगा, वो भी पैड आपके खुद के पैसे से। मैंने अभी वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाया है, बस एक ही डोज लगा हुआ है, तो मुझे RT-PCR टेस्ट कराना पड़ा है। मैं मोपका में रहता हूँ तो मैं बसंत विहार के SRL लैब में गया, वहाँ पर मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया है और उसमें नेगेटिव आ गया है, तो वो रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप कर दिए हैं। अगर जब भी आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको जब रिपोर्ट मिलता है तो वो QR कोड वाला होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर चेक होता है तो वो QR कोड से ही चेक होता है, तो आप QR कोड देख लें। रायपुर एयरपोर्ट में सबसे पहले आपको टिकट दिखाना होगा, तब आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगा। उसके बाद एयरपोर्ट में जैसे ही एंटर करेंगे फिर बैग आपको चेक कराना पड़ेगा, बैग को लॉक करते हैं, फिर बैग को देते हैं, आपके टिकट के अनुसार बैग को उस फ्लाइट में भेज दिया जाता है, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है। सिक्योरिटी चेक इन में आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है कि आप कुछ सामान या कुछ ऐसा डेंजरस या हार्मफुल चीज़ें तो आप फ्लाइट में लेके नहीं जा रहे हैं। कई सारे जो इक्विपमेंट जो है हार्मफुल होता है उसको आपको वहीं पर जमा करा लिया जाता है, और जैसे कई बार हम लैपटॉप, कैमरा या ड्रोन है वो लेकर जा रहे हैं तो वो सारा चीज़ चेक होता है। सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद आप वेटिंग हॉल में पहुँच जाएंगे। वेटिंग हॉल में बहुत सारे डिस्प्ले में आपको दिखते रहता है कि कौन सा फ्लाइट कहाँ से जा रहा है, तो आपका फ़्लाइट नंबर रहता है या आपका डेस्टिनेशन पॉइंट रहता है वहाँ का नाम जो है डिस्प्ले होते रहता है। तो मेरा जैसे कि अभी कोलकाता वाला जो फ़्लाइट है वो गेट नंबर 4 में आ रहा है, तो वो गेट नंबर 4 में मुझे जाना होगा। तो वहाँ से एक बस मिलता है, बस से आपको फ़्लाइट तक लेकर जाते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस तरह से आप फर्स्ट फ्लाइट का आनंद ले सकते हैं, और डरने का कोई बात नहीं है। जब भी आप फ्लाइट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको फ़्लाइट में ट्रैवल करना है, अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एयरपोर्ट आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि बैग चेक इन कैसे करना है, चेक इन कैसे करना है, सिक्योरिटी चेक इन कैसे करना है, तो ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर भी बता दिया जाएगा। और अभी जैसा कि कोविड वाला सीन है तो उस टाइम के बाद से सारा चीज़ पेपरलेस हो गया है, सब चीज़ डिजिटल हो गया है, तो मैंने अपना सारा चीज़ जो है मोबाइल में ही रख लिया है। आप भी अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो सारा चीज़ जैसे कि टिकट है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सारा चीज़ को आप मोबाइल में सेव कर लीजिए। जो रूल यहाँ के हैं वो रूल पूरे इंडिया के हैं, तो आप कहीं भी इस तरह से टूर कर सकते हैं। कई लोग को ये भी डाउट रहता है कि वीज़ा लगता है कि नहीं लगता है, डोमेस्टिक टूर में कहीं भी वीज़ा नहीं लगता है, आप इंटरनेशनली जाते हैं तो उस टाइम आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ता है, बट डोमेस्टिक टूर पे कहीं भी आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब सीधा मिलते हैं कोलकाता में। देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए अंधेरा हो चुका है बट ऊपर अभी
मैम और सर आए हैं लेने के लिए, फिर चलते हैं बाहर। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बैग ले लिए हैं, अभी जा रहे हैं होटल। रात का स्टे कोलकाता में है, फिर कल सुबह फ्लाइट है दीमापुर के लिए। एयरपोर्ट में ही इंडियन टूरिज्म का इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्वागत किया गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। यहाँ पर हमें लेने के लिए आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच इंडियन टूरिज्म। सुबह हम बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, फाइनली बाहर आ चुके हैं। हेलो सर, तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं होटल। हमारा होटल कितना नहीं है, 10 to 15 minutes तो होटल के मिलता। गुड इवनिंग, हेलो। थैंक यू सर। ये हम कहाँ जा रहे हैं अभी, कौन से होटल में? सर हॉलीडे इन। हॉलीडे इन, तो यहाँ से कितना दूर है अभी? सर बाजू में ही है। अच्छा पास में ही है। 3 kilometers। अच्छा 3 kilometers है। 10 minutes जस्ट आगे। ये कलकत्ता में सबसे ज्यादा फेमस क्या है घूमने के लिए? सर ओल्ड सिटी है कोलकाता में, आपका विक्टोरिया मेमोरियल, आपका ओल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज। अच्छा, जो टू पहिया पर खड़ा है। अच्छा जी, एक हैसियत है, 70 years हो गया उसका। और शक्तिपीठ काली घाट। हाँ, और एंड वो गंगा, यही जो भागीरथी है। हाँ, जो यहाँ से चालू हुआ। हाँ, गंगोत्री में इंड किया है। अच्छा, आप बंगाली हैं क्या? नहीं सर, हम तो खाटी बिहारी हैं। अच्छा, तो बंगाली आता है आपको? हाँ हाँ, पूरा आता है। तो बंगाली में कोई ऐसा वर्ड जो एकदम फेमस हो यहाँ? अच्छा, कलकत्ता में आई लव यू को क्या बोलते हैं? भालोबासा। भालोबासा, यस। अमित तुम्हा के खूब भालोबासी, माने मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच भैया। फाइनली हम पहुँच चुके हैं हॉलीडे इन में। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में हमको रूम मिला है, और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक जिम भी है। देखिए, एक जिम है, बट अभी हमको जिम नहीं करना है। मुझे रूम मिला है 114। सो ये है मेरा रूम। ओके, यहाँ पर की डालना पड़ेगा। ये है हमारा रूम, देखिए। तो यहाँ पर रहने वाला है आपका भाई, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बाथरूम है, देखिए, है ना, बढ़िया यार। तो आज अपन यहीं रहने वाले हैं। बाय बाय।